पुराने समय से ये चला आ रहा है, जहां यज्ञ होती है वहां राक्षस निश्चित रूप से पहुंचते हैं। हर अच्छे कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाले लोग हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। पहली कोरोना महामारी के चलते जहां पूरे भारत में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित है, सर ऐसे में क्या संदेश है लोगों को आपके द्वारा? देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कोरोना को लेकर के समय से पहले ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, उसके कारण से आज हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व की अगर स्थिति को देखा जाए तो भारत में काफी कुछ कोरोना नियंत्रित है। और अभी 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, अगर इसको बढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती है तो देश के सारे नागरिक माननीय मोदी जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। हम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह सब हमारी जीवन की सुरक्षा के लिए हो रहा है, जीवन की रक्षा के लिए हो रहा है, लोगों की रक्षा के लिए हो रहा है। और हर आदमी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है, इसलिए सब लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। थोड़ी सी चूक जो मरकज के लोग थे उनसे कहीं कहीं भी जाने अनजाने में जो भी कुछ हो गया था, इसके बाद में सारे लोगों को एक साथ प्रस्तुत होना चाहिए था और ये कहना चाहिए कि था कि हम मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, हमारा स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया जाए। अगर वो स्वास्थ्य परीक्षण एक साथ हो जाता, सारे लोग एक साथ आ जाते तो मुझे लगता है कि जो दिक्कत है शायद इतनी दिक्कत नहीं होती। अभी भी जो लोग कहीं किसी प्रकार से डर के कारण से या किसी कारण से अपने आप को छिपा के रखे हैं, मैं चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा, उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो सब बाहर निकलें और बाहर निकल करके अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, अपने परिवार को बचाएं, अपना जीवन बचाएं, अपने समाज का जीवन बचाएं, अपने राष्ट्र का जीवन बचाएं, ये मेरी अपील है। सर सीतानगर कॉलेज द्वारा, मंदिर प्रबंध समिति मंदिर द्वारा और बाकी सब ठीक है सेवा ट्रस्ट द्वारा जो आपके सानिध्य संचालित हो रहे हैं, इनके द्वारा लगातार लॉकडाउन में फंसे लोगों को घरों तक पहुंचाया गया, उनके लिए लंच पैकेट की व्यवस्था कराई गई, यथासंभव जो भी मदद बराबर आपके द्वारा की जा रही है, आगे क्या योजना है और लोगों से क्या संदेशा? 21 मार्च को हम लोग, सबसे पहले हमारी टीम निकली थी पूरे क्षेत्र में। 22 मार्च के लिए माननीय मोदी जी ने जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी, तो गाड़ियों से प्रचार और हैंडमिल से लोगों को समझाने का प्रयास हम लोगों ने किया था। और जैसे ही लॉकडाउन घोषित हुआ उसी दिन से, फर्स्ट डे से हम लोग जरूरतमंदों के लिए पूरी के पैकेट्स, तहरी और इसके अलावा बिस्किट्स, दूध के पैकेट्स, साबुन, सैनिटाइजर, इस प्रकार की जो भी आवश्यक चीजें हैं उनको लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, जरूरतमंदों को। और तमाम लोगों को हम लोगों ने राशन भी उपलब्ध करवाया। हमें खुशी इस बात की है कि तमाम वे लोग जिनके साथ में महिलाएं थी, जिनके साथ में बच्चे थे, जिनके साथ में वृद्ध तक थे और वो तमाम दूरी पैदल तय करके आए थे, घरों को अपने जाना चाहते थे, दूर दूर के स्थानों पर कॉलेज की बसों के द्वारा अपनी जो गाड़ियां हैं उनके द्वारा भिजवाने का काम किया गया। इस कार्य में विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री कृतार्थ मिश्र और उनकी पूरी टीम, उसने सहयोग किया। बाकी सब ठीक है, सेवा ट्रस्ट के लोगों ने सहयोग किया, पीएम मोदी अगेन ये संगठन है उसके लोगों ने सहयोग किया और तमाम ऐसे लोग हैं। हम लोगों ने बिना कुछ देखे फाले जिसकी जहां जरूरत थी उसको वहां पर भोजन कराया, जिसको जहां जाना था उसको अपने संसाधनों से हम लोगों ने भिजवाया। और एक ड्यूटी और हम लोगों ने समझी अपनी कि इस कोरोना की जंग में जो लोग लगे हैं ऐसे योद्धाओं का हम लोग सम्मान करें। तो महमूदाबाद स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी सरैया, पुलिस स्टेशन महमूदाबाद से संबंधित सभी अधिकारियों का, एसडीएम का, सीओ का, तहसीलदार का, और इसके अलावा रामपुर मथुरा क्षेत्र में, चांदपुर क्षेत्र में, पैतेपुर क्षेत्र में जितने भी उत्साही लोग बढ़ चढ़ करके इस कार्य में सहयोग कर रहे थे, माननीय विधायक जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। परोपकार सेवा ट्रस्ट के लोगों ने, ऋषिराज सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया।
ऐसे सारे सामाजिक लोगों को जो बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं उन सबको सम्मानित करने का काम भी किया गया, और ये इसलिए किया गया ताकि लोगों का उत्साह और बढ़े और साथ साथ में जो सेवा का भाव है उसके प्रति हम सब और प्रेरित हों और जागृत हों। इस सावधानी को ध्यान में रख करके जो आवश्यक है सोशल डिस्टेंसिंग उसको पूरी तरह से ध्यान में रख करके जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं। एक कार्य शुरू किया गया था जो कोरोना फाइटर्स हैं हमारे जो फ्रंट पर आके लड़ रहे हैं, पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं और सफाईकर्मी हैं, इनको सम्मान देने का काम शुरू किया गया, क्रम से किया जा रहा है। इस पर कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर आपको निशाना बनाया गया, उसकी आलोचना की गई, कैसा महसूस करते हैं आप और क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को? देखिए, पुराने समय से ये चला आ रहा है, जहाँ यज्ञ होती है वहाँ राक्षस निश्चित रूप से पहुँचते हैं। हर अच्छे कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाले लोग हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मेरा अपना मानना है कि अच्छे कार्य को करते रहना चाहिए, ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि कौन इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। हमें खुशी इस बात की है कि समाज में व्यापक रूप से लोगों ने इस कार्य की प्रशंसा की, और कोई एकाध व्यक्ति जो अपनी मानसिकता के चलते अपने लोगों को लगा करके कुछ कमेंट्स करवा रहा हो वो अलग की बात है। बाकी आम जनमानस इस बात से बहुत खुश है, आम लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि जिन्होंने कुछ किया, जो कुछ कर रहे हैं, जिनके अंदर कुछ करने का मादा है, ऐसे लोगों को सम्मानित करना हमारा फर्ज है। और ये फर्ज कोई आज हम नहीं कर रहे, 2005 में जब सीता इंटर कॉलेज का रजत जयंती समारोह हुआ था, 7 दिन का समारोह हुआ था, वहां बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए थे, तमाम अधिकारी आए थे, उस समय हमने 400 लोगों को, समाज का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिस क्षेत्र के लोगों को हमने सम्मानित करने का काम न किया हो। हम व्यक्ति छोटा है बड़ा है, किस जाति का है, किस धर्म का है, यह नहीं देखते, उसके अंदर अगर क्वालिटी है तो उसको निश्चित रूप से सम्मान देते हैं, उसके प्रति आदर और सम्मान की भावना हमारे मन में हमेशा रहती है। कुछ लोग जलनखोर हैं, कुछ लोगों के अंदर ईर्ष्या रहती है कि बस सम्मान हो तो सिर्फ उनका, जो कुछ मिले वो उनकी प्रशंसा मिले तो उनको, वाह वाही तो मिले तो उनको। हम इस मत के नहीं है, हम इस मत के हैं कि जो काम कर रहा है चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, उसको निश्चित रूप से प्रशंसा मिलनी चाहिए, उसका सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए। ये भाव केवल कोरोना को लेकर के नहीं है, ये भाव पहले से था, आज है और कल भी निश्चित रूप से रहेगा। आलोचना की मैं परवाह नहीं करता, आलोचना उसी की होती है जो कुछ करता है। किसी पेड़ की आपने, किसी बिजली के खंभे की आलोचना करते हुए आपने किसी को नहीं सुना होगा। जो कुछ करता है आलोचना उसी की होती है, जिसमें क्रियाशीलता है आलोचना उसी की होती है, और सस्थालोचना का स्वागत है। लेकिन कुछ लोग गंदी मानसिकता के हैं, उनकी जो आलोचना है उसको भी जनता देख रही है, और जनता अपने तरह से उनके बारे में समझ